अध्यक्ष जी ने मुझे खड़ा किया भाई, प्लीज माननीय सदस्य बैठ जाइए, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह, इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियमों के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं, कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंब करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं, और जनता में भी विश्वास है। मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं, मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। दो तिहाई बहुमत से दो दो बार एनडीए को चुना गया, पूर्ण बहुमत से दो दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद
30 साल के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार दो बार किया और प्रधानमंत्री माननीय ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। माननीय आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। माननीय कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2-3-4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। माननीय आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने एक 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। माननीय लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनवरत संतान भी होता है, और तुष्टीकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है और तुष्टीकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण क्विट।